कितने लोग चाहते हैं कि अपने खानदान का इतिहास आप लिखे? कितने लोग चाहते हैं कि आपकी फोटो लगे? कितने लोग चाहते हैं कि लोग आपको यूट्यूब पे सुने? कितने लोग चाहते हैं कि लोग आपका पोस्टर लेके चिल्लाएं? अगर कंटिन्यू प्रयास किया जाए तो डायमंड भी बन सकता है। यस या नो? तो कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं, डायमंड से मिलना चाहते हैं? तो डायमंड को बुला लिया जाए। तो डायमंड को बुलाने से पहले डायमंड की डॉक्यूमेंट्री। सेफ शॉट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचाने का नेक कर्म किया है। सेफ शॉप जिसने एक आम आदमी को भी यकीन दिलाया है कि तरक्की कोई भी कर सकता है। सेफ शॉप जिसने ये साबित कर दिखाया है कि सकारात्मक ऊर्जा के बूते सार्थक परिश्रम से जिंदगी की हर जंग जीती जा सकती है। सेफ शॉप के ऐसे ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न डायमंड है पिताजी मजदूरी ही किया करते। महज एक कमरे का मकान था, उसी में रहने को विवश था पूरा परिवार। गरीबी के इस काले दौर में पूरे परिवार की जिम्मेदारियां सतीश जी के नौजवान कंधों पर ही थी। तब भी आप कुछ कर गुजरने के सपने को देखते रहते थे। यकीन था कि निर्धनता के इस क्रूर चक्र से छुटकारा मिलके ही रहेगा। और यह यकीन तब और प्रबल हो गया जब अपने स्कूल के दोस्तों के जरिए आपको सेफ शॉप का बेमिसाल आश्रय मिला।